स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइच पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने 2 दिन पहले आपको बंधन बैंक का टारगेट प्राइस दिया था, वो भी हिट हो चुका है। PFC का भी टारगेट प्राइस दिया था, वो भी हिट हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं आपके साथ जो अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे आप भी हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NTPC स्टॉक को लेके, और कुछ अपडेट्स आए हैं NTPC के बारे में, वो भी हम लोग शेयर करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से, कोशिश करेंगे शेयर करने के लिए आपके साथ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 6 महीने से स्टॉक का प्राइस NTPC में, 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 86.65 के आसपास चल रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देने के बाद स्टॉक में जो है फिर से एक तेज़ी दिखा है। तो 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस 105.95 रुपये तक पहुँच गया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक जो है 105.95 रुपये तक पहुँचने के बाद जो है स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला, कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक गिरावट आया है। और 1 महीने से इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग तो 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 82.90 के आसपास चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो एक गिरावट आया है स्टॉक में, फिर से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। 5 डेज के अंदर स्टॉक में हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और 1 दिन के अंदर स्टॉक में अच्छा खासा एक मूवमेंट बनता हुआ दिखा है। तो NTPC में अभी कुछ अपडेट्स आया है जिसके चलते हम लोग को लग रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो 1 महीने में अगर बात करते हैं हम लोग स्टॉक में, तो यहाँ पे अगर देखते हैं स्टॉक का प्राइस 85.95 के पास पहुँच गया था, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला है हम लोग को। तो फिलहाल हम लोग को लग रहा है कि ये स्टॉक अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं तो इसमें जो टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा वो लगभग जो है 86 रुपीज़ का या फिर 85.50 पैसे के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 दिन पहले का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस का, तो स्टॉक ओपन हुआ था 87.10 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 88.75 पैसे का, एंड लो प्राइस दिया है 86.90 पैसे का। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं 1 दिन में स्टॉक में कितना रिटर्न देखने को मिला है तो 0.52% का रिटर्न देखने को मिला है। NTPC के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों NTPC जो है अच्छा स्टॉक है, और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि ये स्टॉक ने जो है अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया है इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अभी आगे का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ये स्टॉक के बारे में। 10 साल के अंदर ये स्टॉक ने 46.57% का लॉस दिया है इन्वेस्टर्स को। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो है NTPC बहुत पुराना कंपनी है, तो 10 साल के अंदर स्टॉक ने लॉस दिया है। 3 साल के अंदर की बात करते हैं तो 41.52% का लॉस देखने को मिला है ये स्टॉक में। 1 महीने का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है थोड़ा समय पहले ग्राफ में, 1 महीने के अंदर स्टॉक ने जो है रिटर्न दिया अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को, 3.80% का रिटर्न देखने को मिला है 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बहुत पुराना कंपनी है NTPC, और कुछ महीने से हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में आहिस्ता आहिस्ता जो है एक अपट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी जैसे अपडेट्स आ रहे हैं NTPC के बारे में, और इसके पहले भी हम लोगों ने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किया था NTPC के स्टॉक के बारे में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, तो अभी भी जो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं उसके चलते आगे भी लगता है हम लोग को NTPC स्टॉक में अच्छा रिटर्न दिख सकता है आगे। तो चलिए अभी यहाँ पे NSE के साइट पर देख लेते हैं कि NSE के साइट पर क्या चल रहा है ये स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पे आगे हम लोग NSE की साइट पे, NSE की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं 1 दिन पहले का, तो वो है 4,61,43,960। तो बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 4 करोड़ के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम लोगों ने ये स्टॉक के बारे में रिसर्च किया है तो ज़्यादातर लोग जो है ये स्टॉक को अभी फिलहाल जो है लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फेस वैल्यू 10.00 का है, एंड 52 का हाई प्राइस दिया है 125 रुपीज़ का, 52 का लो प्राइस दिया है 73.20 पैसे का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल का, तो डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल जो है वो है 1,79,89,820, एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का अगर परसेंटेज निकालते तो वो है 38.99% का। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है और ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत अच्छा यहाँ पे जो है ट्रेडेड वॉल्यूम दिख रहा है। अब ज़्यादातर लोग जो है फिलहाल ये स्टॉक में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटा अमाउंट का स्टॉक है, अगर 2-2.5 रुपया 3 रुपया भी एक स्टॉक में मिल जाता है तो अच्छा खासा एक बोल सकते हैं कि रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है 100 के नीचे है, तो छोटा अमाउंट का ये स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं। अभी अगर बात करते हैं कि हम लोग NTPC में क्या अपडेट आया है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ से एक
कॉन्ट्रैक्ट या फिर MOU साइन किया गया NTPC के एक सब्सिडरी कंपनी के साथ, जहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा NTPC का सब्सिडरी। तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI साइंड MOU विद एन NTPC सब्सिडरी ऑन थर्सडे टू प्रोमोट यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेटअप ए सोलर पावर प्लांट्स एट इट्स एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी एयरपोर्ट्स है उसमें जो है NTPC के जो सब्सिडरी है वो सोलर पावर प्लांट बनाने का अभी काम करेगा। NTPC विद्युत व्यापार निगम जो NTPC का एक सब्सिडरी है उसका नाम है NVVN, ए सब्सिडरी ऑफ NTPC विल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट लैंड एंड रूफ टॉप स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट एट आइडेंटिफाइड AAI एयरपोर्ट टू सेटअप सोलर पावर प्लांट्स। तो अभी जो NTPC के सब्सिडरी कंपनी है NVVN वो फिलहाल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे ये लोग वो सर्विस प्रोवाइड करेगा AAI को। अभी AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कितना एयरपोर्ट है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट इंडिया के पास लगभग जो है 100 के ऊपर एयरपोर्ट्स है इंडिया का। द एयरपोर्ट्स इन दिल्ली मुंबई बेंगलुरु ऐसा कुछ शहर से जहाँ के एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर्स के पास है, प्राइवेट कंपनी के पास है, AAI के पास नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं तो जो एयरपोर्ट्स की बात हो रहा है वो लगभग जो है 100 के ऊपर एयरपोर्ट्स जो है वो AAI के पास है, जो कि एक अच्छा हम लोग बोल सकते हैं कि NTPC के लिए या फिर NTPC के सब्सिडरी के लिए एक अच्छा MOU हो सकता है, जहाँ पे जो एयरपोर्ट्स की यहाँ पे देखते हैं तो 100 के ऊपर एयरपोर्ट्स है, जो कि अच्छा एक डील समझ सकते हैं 100 के ऊपर एयरपोर्ट्स में। तो यहाँ पे जो है फिलहाल काम किया जाएगा NTPC के सब्सिडरी कंपनी से, जहाँ पे ये लोग जो है सोलर प्लांट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पहले क्या होगा ये फेज में, तो इन द इनिशियल फेज NVVN जो कि NTPC का सब्सिडरी कंपनी है विल बी टेकिंग अप द प्रोजेक्ट्स एट एयरपोर्ट्स इन तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो पहले जो है राजस्थान एंड तमिलनाडु के जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। द सोलर कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट एयरपोर्ट्स इन तमिलनाडु एंड राजस्थान इज अराउंड 55 मेगावाट एंड 8 मेगावाट। तो तमिलनाडु एंड राजस्थान के जो अभी सोलर प्लांट का काम करने के ये लोग करेंगे आगे करेंगे तो उसका जो है पावर कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो है 55 मेगावाट का, एंड तमिलनाडु का जो है वो है 55 मेगावाट एंड राजस्थान का है 8 मेगावाट। तो यहाँ पे जो है फिलहाल अभी जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों को अभी अपडेट करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है द रिलीज सेड AAI एयरपोर्ट्स इन तमिलनाडु हैव सोलर पावर प्लांट्स विथ 3.5 मेगावाट पीक कैपेसिटी करेंटली। तो तमिलनाडु का अभी जो पावर सोलर पावर प्लांट है उसका अगर कैपेसिटी का बात करते हैं तो वो है सिर्फ 3.5 मेगावाट पीक कैपेसिटी का, तो उसको अभी यहाँ पे आगे किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद अगर आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि द AAI एंड NVVN विल ऑल्सो जॉइंटली वर्क टूवर्ड्स सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बाई क्रिएशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट एयरपोर्ट्स द रिलीज नोटेड। तो यहाँ पे जो है AAI एंड NVVN जो कि NTPC का एक सब्सिडरी कंपनी है दोनों मिलकर जॉइंटली काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे लाने के लिए क्रिएशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग। तो पब्लिक चार्जिंग का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहाँ पे जो भी एयरपोर्ट्स रहेगा आएगा वहाँ पे ये बनाया जाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट इंडिया के इनिशिएटिव को भी आगे लेने के लिए काम किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये दोनों जो है हम लोगों ने अपडेट दिखाने की कोशिश की आपके साथ एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉप लॉस का बात हम लोगों ने अभी वीडियो में भी देखा है, तो फिलहाल जो है स्टॉप लॉस हम लोगों को जो लगना चाहिए या फिर रखना चाहिए वो हम लोगों ने बताया है। और अगर हम लोग बात करते हैं ये स्टॉक में NTPC के स्टॉक में फिलहाल कितना शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट प्राइस लगता है तो हम लोग का जो ओवरव्यू है वो लगभग जो है 2 से 2.5 रुपये स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। फिलहाल ये जो भी स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस दिया है सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, जरूरी नहीं है कि उसी स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस के लिए आपको खरीदारी करना है स्टॉक में। अगर आप खरीदते हैं स्टॉक तो खुद से बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि NTPC के बारे में जो अपडेट आया है वो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे से अकाउंट ओपन करते हैं
तो 1 साल का AMC आपको फ्री मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ज़रूर हम लोग के जो ईमेल एड्रेस है finoh@gmail.com उसमें ईमेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइच पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।